नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। इंसाफ की आस में 37 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने वाली हीरावती का आज कानून और देश की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया। 37 साल तक अपने पिता के हत्यारे को फांसी तक पहुंचाने का दिनेश यादव का ख्वाब भी अब टूट चुका है, क्योंकि वो मुजरिम जो इन दोनों माँ बेटे का असली गुनहगार है, वो आज जेल से बाइज्जत बरी हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1986 में यूपी में हुए सिकरौरा हत्याकांड की। हम बात कर रहे हैं यूपी के आज तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डॉन ब्रिजेश सिंह की। वो ब्रिजेश सिंह जिस पर यूपी का सबसे बड़ा नरसंहार करने का आरोप लगा था, वो आज बरी हो गया। वो ब्रिजेश सिंह जिस पर 36 मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस, 12 दंगा भड़काने के केस, 51 लूट डकैती मारपीट फ्रॉड के केस और 11 खतरनाक हथियारों से दंगा भड़काने जैसे बड़े केस हैं, वो आज बरी हो गया। ये बात है 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल की रात की। 1986 था साल, जगह यूपी के चंदौली जिले का सिकरौरा गांव। 37 साल पहले सिकरौरा गांव में रात के अंधेरे में 5-7 बदमाश गांव के प्रधान रामचंद्र यादव के घर में घुसते हैं और घुसते ही चिल्लाते हैं, जो मिले उसे काट डालो, जो मिले उसे मार डालो। करते भी वही, जो हाथ लगता है उसे काट दिया या गोली मार दिया। उस रात सिकरौरा गांव के उस घर में 7 लोगों का नरसंहार हुआ था, जिनमें 3 बड़े और 4 बच्चे थे। आगे चलकर माफिया और फिर MLC बने ब्रिजेश सिंह इस केस में आरोपी थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार होते वक्त ब्रिजेश सिंह को गोली लगी थी। मामले में चश्मदीद गवाह भी था, मगर उसे रातों रात गायब करवा दिया गया और हत्याकांड के 37 साल बाद मुख्य आरोपी यानी ब्रिजेश सिंह बरी हो गया। सिकरौरा हत्याकांड से लेकर 20 नवंबर 2023 रिहाई वाले दिन तक ब्रिजेश सिंह के दामन पर कई दाग लगे तो कई उपलब्धियां भी जुड़ती गई। करीब 39 साल लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री में ब्रिजेश सिंह पर 30 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हुए। मकोका, टाडा, गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या की साजिश रचने से लेकर किडनैपिंग, दंगा भड़काने, वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक में उनका नाम आया। फिर भी साल 2016 में वाराणसी सीट से वो MLC चुने गए। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि कैसे एक किसान का बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल और इतना बड़ा नेता बन गया। तो ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह बनारस के दौरहरा गांव के बड़े किसान थे। यूपी की राजनीति में भी उनका दखल था। ब्रिजेश सिंह ने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया ही था कि 27 अगस्त 1984 को गांव के हरिहर सिंह ने ब्रिजेश के पिता की हत्या कर दी। 27 मई 1985 को ब्रिजेश ने हरिहर की हत्या करके पिता की मौत का बदला ले लिया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन ब्रिजेश पुलिस के हाथ नहीं लगा। 1986 में सिकरौरा हत्याकांड के बाद फरार होते समय ब्रिजेश को गोली लगी और वो गिरफ्तार हो गया, मगर कुछ ही महीने में उसे जमानत मिल गई। जेल में रहने के दौरान ब्रिजेश की मुलाकात माफिया त्रिभुवन से हुई। उस वक्त मुख्तार अंसारी का नाम भी माफिया के तौर पर लिया जाने लगा था। साल 1988 में सरकारी ठेकों, कोयले के कारोबार और माइनिंग पर कब्जा जमाने की होड़ में ब्रिजेश और अंसारी की दुश्मनी बढ़ती चली गई। यूपी पुलिस की सख्ती की वजह से ब्रिजेश ने पूर्वांचल छोड़कर मुंबई, गुजरात, बिहार और ओडिशा तक अपना नेटवर्क फैला दिया। 1990 में ब्रिजेश का नाम झारखंड के सबसे बड़े कोयला व्यापारी सूरदेव सिंह के 6 विरोधियों की हत्या में सामने आया। 90 के दशक में ही ब्रिजेश सिंह का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ा। 1992 में जेजे अस्पताल में अरुण गवली के शूटर शैलेश के मर्डर में भी उसका नाम आया। साल 2001 के जुलाई महीने में मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर में जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले में भी ब्रिजेश सिंह का नाम सामने आया था। इसी तरह से ब्रिजेश सिंह के गुनाहों की लिस्ट लंबी होती चली गई और एक वक्त पर देश के कई राज्यों में उसके नाम के आगे डॉन शब्द लग गया और ये खौफ का दूसरा नाम बन गया। मगर साल 2008 में पुलिस ने उसे भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे सीधा 14 साल बाद यानी 2022 में रिहाई मिली। अब बात ब्रिजेश सिंह के अगर हम राजनीतिक सफर की करें तो साल 2012 में ब्रिजेश ने चंदौली के सैयद रजा विधानसभा सीट से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर चुनाव हार गए। साल 2016 में वाराणसी से निर्दलीय MLC का नॉमिनेशन किया, इलेक्शन जीत गए। साल 2022 में ब्रिजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने वाराणसी से MLC का इलेक्शन जीता। तो ये तो बात हुई 39 साल से भी लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले यूपी के डॉन ब्रिजेश सिंह। अब आपको बताते हैं उस परिवार के बारे में जो पिछले 37 साल से खौफ के साए में जी रहा है।
गांव में घुसते ही लगभग 100 मीटर अंदर एक बड़ा सा घर। उस घर के बाहर पिछले 37 सालों से पुलिस वाले तैनात। इसका मतलब यह है कि पिछले 37 सालों से यह परिवार पुलिस की सिक्योरिटी जी रहा है, पुलिस की सिक्योरिटी में सांस ले रहा है। 37 सालों से इंसाफ की आस में जी रही रामचंद्र यादव की पत्नी हीरावती यादव अब बूढ़ी हो चुकी है। हत्याकांड में एक बेटा बच गया था जिसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आज वही बेटा इस बूढ़ी माँ का आखिरी सहारा है। हीरा देवी बताती हैं कि जब वो कोर्ट जाती थी तो लोग कहते थे न्याय की देवी को प्रणाम कर दिया करो। उन्होंने बताया कि एक दिन ब्रजेश सिंह कोर्ट में खड़ा था। मैंने जज से कहा था कि इससे पूछ लीजिए इसने मेरे परिवार को मारा है कि नहीं, अगर ये बोल दे तो मैं दोबारा कोर्ट नहीं आऊंगी। मगर ब्रजेश सिंह के मुंह से बोल नहीं फूटा, वो नजर नहीं मिला पा रहा। हीरावती बताती हैं कि पहले मैं अकेले कोर्ट जाती थी, लेकिन जब दिनेश थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके साथ कचहरी जाने लगी। मेरे बच्चों को मारने वालों को सजा दिलाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोर्ट में बैठे लोगों को मेरी मजबूरी नहीं दिखी। मेरा भरोसा अब भी खत्म नहीं हुआ है, कभी ना कभी समय आएगा जब ब्रजेश को सजा मिलेगी। वहीं 10 अप्रैल उस काली रात को याद करते हुए दिनेश यादव ने बताया कि उन्हें याद है उस दिन 10 तारीख थी। तब अप्रैल में ही हल्की सर्दी रहती थी। रात के 11 बजे थे, परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी दो लोग छत से आए और बाकी जो सामने का गेट खोलकर अंदर आ गए। यानी दो ने छत से आकर घर के अंदर से दरवाजे को खोला तो बाकी लोग भी घर के अंदर घुस आए। कुल 5-7 लोग थे, चिल्ला रहे थे कोई बचना नहीं चाहिए, पूरे खानदान को काट डालो। सभी के हाथों में कट्टे, बंदूक और गड़ासे थे। उन लोगों ने मेरे पिता रामचंद्र यादव और दोनों चाचाओं का गला काटा, फिर उन्हें गोली मारी, फिर मेरे 4 भाइयों को काट दिया। इसके बाद सभी भाग गए। मेरी बहन और बुआ की एक बेटी को भी गोली लगी थी, लेकिन वो दोनों बच गए। जब दिनेश यादव से पूछा गया कि आखिर ये सब हुआ क्यों था, तो उन्होंने बताया कि ये 1960 की बात है, जब जमींदारी थी तो जमींदारों ने हमारे पुरखों को करीब 10 डिसमल जमीन दी थी, जब जमींदारी हुआ करती थी तब की बात है, बाद में इसको इंदिरा गांधी ने एबॉलिश कर दिया। तो खैर उस वक्त पढ़ा लिखी नहीं होती थी, 20 साल तक जिसका कब्जा होता था जमीन उसी के नाम पर मान ली जाती थी। इसने बताया दिनेश ने कि हमारे पड़ोस में रहने वाले कन्हैया सिंह को ये बात अखरती थी, उसने जमींदारों के लोगों से मिलकर गुपचुप जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। हमारे परिवार को कुछ भी बताया नहीं कि वो ऐसा कर रहा है। चकबंदी लागू हुई तो मामला सामने आया, लेकिन हमारे परिवार ने जमीन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। उसी दौरान गांव में एक दलित दल सिंगार से कन्हैया का झगड़ा हो गया। मेरे पिता रामचंद्र यादव गांव के प्रधान थे, इसलिए उन्होंने दल सिंगार की मदद की। मामला थाने तक गया, कन्हैया और उसके कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा। तब से कन्हैया और उसके परिवार को लगा कि ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ, वो उनसे दुश्मनी रखने लगा। उन्होंने ब्रजेश सिंह को मेरे परिवार की सुपारी दे दी, मारने की सुपारी दे दी। ब्रजेश सिंह के भाई के ससुराल हमारे गांव में है, दिनेश ने ऐसा बताया। उसने गांव के पंचम सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और देवेंद्र सिंह को साथ लिया और मेरे परिवार की हत्या कर दी। हत्याकांड के बारे में बात करते हुए दिनेश यादव ने बताया कि हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और उसका साथी नहर की तरफ भागा था। ये सभी साइकिल पर थे, गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर मथेला डाकबंगला उसके पास रास्ते में लकड़ी का एक बैरियर लगा था। ये सभी टकराकर गिर पड़े। तब डाकबंगले में एक चौकीदार था, उसने इन लोगों पर गोली चलाई तो बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन ब्रजेश को गोली लग गई इसलिए वो भाग नहीं पाया। सबसे पहले डाकबंगले का चौकीदार तूफानी ही ब्रजेश के पास गया था, पीछे पीछे गाँव के लोग पहुंचे। ब्रजेश ने तब कबूल किया था कि वो सिकरौरा में मर्डर करके भागा है। वहां उसका इलाज कराया गया, वापस मौके पर लेकर आए, तब तक बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, कई गवाह थे और इस तरह ब्रजेश की सिकरौरा हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई। अब जरा सोचिए क्या दशा थी उस वक्त हमारे देश की। यूपी के तमाम बाहुबल कैसे पुलिस को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे, बड़े से बड़ा गुनाह करके भी कानून की नजरों से बच जाया करते थे, आराम से अपनी जिंदगी जिया करते थे। और वो लोग जिनकी जिंदगी उजड़ जाती थी वो खौफ के साए में रहने को मजबूर होते थे। क्या फायदा मिला हीरावती और दिनेश यादव को कोर्ट की इतनी लंबी लड़ाई लड़कर। देश में उस वक्त कानून व्यवस्था और लचर न्याय व्यवस्था की बदौलत ही आज ब्रजेश सिंह जैसे बड़े और शातिर अपराधी को जमानत मिल पाई। उस वक्त सब काम मैनुअल तरीके से होता था, लेकिन आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आज कोई भी शख्स अपराध करके इतनी आसानी से बच नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की मदद से बड़े से बड़ा शातिर आसानी से पकड़ा जा सकता है। मगर अब इन सब बातों का क्या फायदा। सिकरौरा नरसंहार का आरोपी अब बरी हो चुका है, साथ ही जाया हो चुकी है रामचंद्र यादव के परिवार के संघर्षों की वो लड़ाई जो उन्होंने इंसाफ की आस में 37 साल तक लड़ी। अब देश में कानून के मुताबिक मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे
इंसाफ की चौखट यानी अदालत तक पहुंचते हैं, लेकिन अदालत में जो साक्षियों की मौजूदगी होती है उसके आधार पर जज अपना फैसला सुनाते हैं। और फिलहाल जिस तरह से ये केस आज जज के सामने आया, जिस तरह से जमानत मिली, वो अपने आप में एक सवाल जरूर है कि क्या फायदा हुआ इंसाफ की इतनी लंबी लड़ाई का। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।